भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर सर्व ब्राह्मण महासभा और सहयोगी ब्राह्मण संगठनों की ओर से राजधानी में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बड़ी चौपड़ स्थित बाईजी के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भगवान परशुराम की विशेष पूजा अर्चना कर उनके अस्त्र शस्त्र की पूजा की गई और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और इसी दौरान भक्तों ने भगवान परशुराम जी के जयकारे लगाते हुए जय घोष किया। युवाओं और बच्चों ने भी भगवान परशुराम जन्म उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि भगवान परशुराम मातृ पितृ भक्त थे और उन्होंने समाज के कल्याण के लिए बुराइयों का अंत किया था। भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई है तथा महाआरती के साथ में जो है श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के शस्त्र एवं शास्त्र दोनों की पूजा की है, क्योंकि भगवान परशुराम हमारे ऐसे देव हैं जो शास्त्र एवं शस्त्र दोनों के ज्ञाता हैं। जब शास्त्र की आवश्यकता पड़ी है तो उन्होंने शास्त्रों का जो है प्रचार प्रसार किया तथा जब आतिथायी लोगों ने इस पृथ्वी के ऊपर जो है ऋणात्मक कार्रवाइयाँ की, हिंसात्मक कार्रवाइयाँ की, तो उनको संहार करने के लिए भगवान परशुराम ने अनेकों बार इस पृथ्वी को आतिथायियों से मुक्त कराया। तो सुख शांति के लिए भगवान ने इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित होकर के अपना जो है कलाओं सहित इस पृथ्वी में श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। देखिए, भगवान परशुराम जयंती आज है और भगवान परशुराम अकेले विष्णु अवतार है जिन्होंने निश्चित रूप से आतिथायियों का नाश किया, आतंक का नाश किया, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आतंक के खिलाफ अपने फर्जे को उठाया। उनके जन्मोत्सव के अवसर पर आज यहाँ भगवान परशुराम जयंती महोत्सव और विशेषकर भगवान की आरती और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से भगवान परशुराम जी के प्रति लोगों में सम्मान और आदर की भावना के साथ साथ ये भी पड़ता है कि वो अपने मातृ पितृ भक्त थे। उन्होंने मातृ पितृ भक्ति का जो उदाहरण पेश किया वो युवाओं के लिए बड़ा अनुकरणीय है और इसलिए इस प्रकार का आयोजन करके आज यहाँ पे विप्र फाउंडेशन और सर्व ब्राह्मण समाज के 50 से भी अधिक संगठनों की ओर से उदयपुर में परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। टाउन हॉल से निकाली गई शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और इस दौरान भगवान परशुराम की अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा के साथ ही शहीदों के सम्मान में 100 फीट लंबे तिरंगे की झांकी का आकर्षण का भी केंद्र रही। इस मौके पर सभी लोग डीजे की धुन पर नाचते और गाते नजर आए। सभी धर्म के सद्भावना के साथ सभी को साथ लेकर के इस यात्राओं को शुरू किया है हमने और आगे से हमारी जो विचारधारा है वो सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग इस विचारधारा को आगे अपनाएं और हिंदुत्व को महान करें, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और बढ़ावा करें ताकि लोगों की विचारधारा बदले और जिस तरीके का समाजवाद बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके की गंदी राजनीति के चलते देश का हित हो रहा है वो हित खत्म हो और एक नई विचारधारा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।